हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। अगर आपको यार आपकी फैमिली को आलू मटर की सब्ज़ी खाना पसंद है तो एक बार इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस सब्ज़ी को हम कम मसालों में झटपट से बना के तैयार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। आलू मटर की टेस्टी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें जाएगा 1 इंच अदरक का टुकड़ा, तो इसमें डाल देते हैं। और 7 से 8 लहसुन की कलियां, वो भी इसमें जाएगी। साथ ही इसमें जाएंगे 1 कप मटर, तो मैंने फ्रेश वाले 1 कप मटर लिए हैं साबुत। आप अपने हिसाब से जो भी मटर है आपके पास वो ले सकते हैं। तो इसको अब हम मिला लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि मटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। तो इसी तरीके से हम इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। यहाँ देखिए 3 मिनट हो गए हैं, मटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट होने लग गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं तीखा, तो मैं यहाँ 2 ले रही हूँ। थोड़ी देर इसे भी भून लेते हैं हम। यहाँ अच्छे से हमारी सारी चीज़ें भुन गई है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मटर अच्छे से दब रहे हैं, मतलब कि हमारे मटर अच्छे से पक गए हैं। अब क्या करेंगे कि हम 2 से 3 चम्मच मटर निकाल लेंगे, इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो एक बार इसको साइड में रख लेते हैं निकाल के। और इसमें मिलाएंगे हम हरा धनिया 1 कप लिया है मैंने, अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ी देर इसे भी हम भून लेंगे। तो ये देखिए मैंने हरे धनिया को थोड़ी देर के लिए भून लिया है और अब हम इस गैस ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ देखिए मटर है ना जो हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। और अब हम इसमें मिक्सी के जार में लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब क्या करेंगे कि सेम पैन लेंगे, इसमें लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, अच्छे से गर्म होने देते हैं वापस से। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें जाएंगे अब 2 मीडियम साइज के आलू काट के रखे हैं मैंने वो, तो इसको भी हम अच्छे से भुनेंगे जब तक ये अच्छे से पक के सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक भुनने हैं। यहाँ मैंने 2 मिनट तक आलू को अच्छे से भून लिया है और ये काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। इसको अब हम निकाल लेते हैं अलग से प्लेट में। काफ़ी सारा तेल भी बच गया है तो इसमें अब हम सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 1/2 चम्मच जीरा। जब जीरा भुन जाए ना तो इसमें जाएगी 1 प्याज, इस तरीके से मैंने काट के रखी है। इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए हमारी प्याज का कच्चापन जो निकल गया, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे जो मटर वाला पेस्ट बनाया था ना हमने वो, तो मटर वाला पेस्ट हमें बिल्कुल बारीक महीन नहीं पीसना है, इस तरीके से दरदरा पीसना है। इसको हम डाल देते हैं, अच्छे से मिला लेंगे एक बार। इस पेस्ट को हमें सिर्फ मिलाना है क्योंकि हमने इसे पहले ही पका लिया है अच्छे से, तो मिला लेते हैं एक बार। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें जाएंगे सूखे मसाले। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है, धनिया पाउडर है 1 चम्मच और स्वाद के अनुसार नमक लेंगे, थोड़ी सी हल्दी लेंगे, हल्दी ज़्यादा नहीं लेनी इसमें। अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए इन मसालों के साथ हम भुनेंगे। इस सब्जी में हम ज़्यादा मसालों का यूज नहीं कर रहे, बस इन्हीं मसालों में सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। तो यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है और इसमें हम डालेंगे पानी। तो 1/2 कप पानी लिया था मैंने और मिक्सी के जार में ले लिया ताकि जो पेस्ट बनाया था ना वो वेस्ट नहीं जाए। तो 1/2 कप पानी और डालेंगे, पूरा 1 कप पानी डाला है मैंने। अच्छे से मिला लेते हैं। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस ग्रेवी को हम अच्छे से एक बार बॉईल आने देंगे, इसके बाद आलू वगैरह मिलाएंगे। तो एक बार इसको बॉईल आने देते हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी है ना काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है, बॉईल आने लग गया है। तो इसमें जाएंगे अब आलू,
साथ ही इसमें डाल देंगे मटर जो हमने निकाल के रखे थे। अच्छे से मिला देते हैं और इसको ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ 2 मिनट हो गई है और ये देखिए हमारी सब्जी है ना, काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हुई है परफेक्ट ग्रेवी के साथ। अब क्या करेंगे कि इसमें हम मिलाएंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। अच्छे से मिला लेते हैं गरम मसाले को और गैस को ऑफ कर लेते हैं। तो है ना, इसे बनाना आसान, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो ये देखिए मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, है ना काफ़ी टेस्टी। इस सब्जी को मैंने बहुत ही कम समय में कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना के तैयार की है। तो आप भी बनाइएगा इस रेसिपी को। आलू मटर की सब्जी हम रोटी पराठे या फिर राइस के साथ खाएं, बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो आप भी बनाइएगा इस रेसिपी को और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है इसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।